हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज मेंटर एकता। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ सीसी अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। तो आज मैं लेके आई हूँ मॉक टेस्ट नंबर 11th रहेगा ये हमारा, और हम जो है डिस्कस करेंगे पेपर 1। HPPSC ने ये 9 मई को एग्जाम कंडक्ट करवाया था, उसके ऑफिशियल आंसर की आई है, तो उसको हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये पेपर जो है इसमें सीरीज नहीं आई थी, राइट, और साथ में ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आया था। लास्ट पेपर हमने डिस्कस किया था वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आया था, तो ध्यान रखना है। HPPSC थोड़ा सा ट्रिकी ट्रिकी पेपर दे रहा है, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी को रखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द यूनाम सो लेक इज इन लाहौल स्पीति। बिल्कुल सही ये स्टेटमेंट है। द इंटरनेशनल बॉर्डर स्टार्ट्स एट परेचू इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। ये नहीं है, शिमला जो है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ टच नहीं होता है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत। द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ कुल्लू वॉज सुल्तानपुर, ये भी स्टेटमेंट गलत है, राइट। द फाउंडर ऑफ भूटी वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट वॉज बेदराम ठाकुर, तो बेदराम ठाकुर जो है ये सही है स्टेटमेंट। तो फोर्थ, ओके, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, फोर्थ और फर्स्ट ये दो स्टेटमेंट करेक्ट रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर। कौन सी नदी जो है सतलुज की सहायक नदी नहीं है। ए स्पीति बिल्कुल सही है, बसपा है, रोपा भी है, सोलंग नाला ब्यास का सहायक है, तो 2 का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट रहेगा, सतलुज की सोलंग जो है सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, अमंग द फॉलोइंग विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द लोएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट गाइड्स। तो हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में पर्यटकों के गाइड संख्या में सबसे कम है, तो सबसे कम जो है हमीरपुर में ही जो है पर्यटन स्थल है, राइट, टूरिज्म के तहत हमीरपुर जो है विकसित नहीं है, बट एजुकेशन हब है, तो हमीरपुर में सबसे कम टूरिस्ट गाइड है, राइट, ए ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011। वैसे तो हमीरपुर का सबसे ज्यादा जनघनत्व है सेंसस 2011 के अनुसार, बट यहाँ पर ऑप्शन में ए सिरमौर था, बी मंडी, सी कुल्लू और डी शिमला। तो आपको मैं ये सेंसस की वीडियोस करवा चुकी हूँ, और वहां पे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 3 जो रैंक है वो आपको ध्यान रहने ही चाहिए। तो हमीरपुर के बाद इन 4 जिलों में से सिरमौर, मंडी, कुल्लू और शिमला में से मंडी जिले का जनघनत्व सबसे कम है। वैसे कितना जनघनत्व है हिमाचल प्रदेश का, तो 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 123% पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में हिमाचल प्रदेश में रहने की कैपेसिटी है हिमाचल प्रदेश के पॉपुलेशन डेंसिटी। 5th क्वेश्चन, द इंडो नॉर्वे ट्राउट फिश फार्म इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इंडो नॉर्वे ट्राउट फिश फार्म जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रेजेंट है, तो सबसे डी कुल्लू। ठंडे पानी की मछली है ट्राउट फिश, राइट, तो कुल्लू जो है एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है ट्राउट फिश के लिए। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में ट्राउट फिश की फार्मिंग कहाँ हुई थी, तो ट्राउट फिश की फार्मिंग हुई थी पब्बर नदी में 1938 में, ध्यान रखना है, शिमला के रोडू रीजन में है ये। पब्बर नदी में ट्राउट फिश की फार्मिंग सबसे पहले शुरू हुई थी 1938 में। 6th क्वेश्चन, द ओवरऑल रैंक ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन गुड गवर्नेंस ही दिया गया है ना, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। तो जितने भी पेपर अभी तक मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, हर पेपर में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स का जो है क्वेश्चन एक आध आया ही आया है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। 6 का ऑप्शन नंबर डी सी करेक्ट रहेगा, 5th रैंक है, राइट, सी ऊपर चला गया है, 5th रैंक है मंडी का डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। 7th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ मेल्स ऑन द ईयर 2019। अच्छा, 2019-20 का ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेट पूछा गया है, बेरोजगारी दर कौन सा युग्म जो है बिल्कुल सही मैच है।
एक तरफ मेल्स की जो है परसेंटेज दी है और एक तरफ फीमेल्स की परसेंटेज दी है। तो फीमेल्स की परसेंटेज ए ऑप्शन 7 का करेक्ट रहेगा। 4.1% मेल जो है अनएम्प्लॉयड थे और 9.7% फीमेल अनएम्प्लॉयड थी 2019-20 में। 8th क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विटनेस द लोएस्ट प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के में किस वित्तीय वर्ष में हिमाचल प्रदेश में फलों का उत्पादन सबसे निम्न स्तर पर हुआ है, सबसे कम कौन से फाइनेंशियल ईयर में रहा था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अच्छा, ये भी ऊपर नीचे हो गया। 2020-21 में जो है सबसे कम फ्रूट प्रोडक्शन जो है हिमाचल प्रदेश में हुई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, अ वर्कर फ्रॉम मंडी डिस्ट्रिक्ट, हाँ ये सिलकारा जो टनल है उत्तराखंड के, वहां से क्वेश्चन आया था। मैंने आपको टनल का नाम बताया था, नेरचौक का ये जो है लड़का था, राइट, हु वाज ट्रैप्ड अमंग द अदर्स वर्कर इन द उत्तराखंड टनल रिसेंटली वाज नेम। तो उस लड़के का नाम पूछा गया है, 9 का डी, विशाल कुमार नाम है, राइट। और ध्यान रखिएगा, शिलकारा टनल थी ये उत्तराखंड में, जहां पर ये फंसे थे मजदूर। 10th क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग विच वॉज द नंबर ऑफ होम्योपैथी डिस्पेंसरीज इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में 2022-23 तक जो है हिमाचल प्रदेश में कितनी होम्योपैथी डिस्पेंसरीज की संख्या है, ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए करेक्ट रहेगा, 14। 11th क्वेश्चन, व्हाट डज द हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1968 सेज अबाउट द न्याय पंचायत, राइट। तो 1968 में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम एक्ट आया था। तो अगर क्वेश्चन ईयर का पूछा जाए तो 1968 जो है सही ईयर रहेगा, राइट। और इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो 11 का डी, इट सेज दैट इट्स पंच शुड बी इलेक्टेड बाय द ग्राम पंचायत आउट ऑफ इट्स ओन पंचेस। तो हिमाचल प्रदेश में जो पंचों की जो है इलेक्शन होते हैं वो जो है उन्हीं में से बाय द ग्राम पंचायत आउट ऑफ इट्स ओन पंचेस। जो पंच होते हैं ना, मेंबर जिसे कहते हैं, मेंबर्स की में से एक जो है ग्राम पंचायत के ही द्वारा चुना जाएगा पंच। पंच माने कुछ जगहों पर मेंबर, जो वार्ड मेंबर होते हैं ना उनको पंच कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है क्या क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज अपॉइंटेड द कैबिनेट मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वैसे तो ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि राजकुमारी अमृत कौर जो है पहली कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी, बट वो बनी थी यूनियन असेंबली की, ठीक है, यानी यूनियन गवर्नमेंट में केंद्र सरकार की पहली महिला प्रधानमंत्री महिला जो मंत्री बनी थी वो कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर। यहाँ पे पूछा गया है कि स्टेट असेंबली जो हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार की कैबिनेट है वहां पर उनमें से कौन सी महिला जो है सबसे पहले मंत्री बनी थी, तो 12 का ए करेक्ट रहेगा, आशा कुमारी, ठीक है। फिर आते हैं 13th पर, द हाटू माता टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हाटू माता टेम्पल है जी डिस्ट्रिक्ट शिमला में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। फिर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट अंडर द हिमाचल प्रदेश स्किल्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट द टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज नॉट लॉन्च्ड अ ड्रोन टेक्नीशियन प्रोग्राम इन गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अप टू 2022। तो 2022 तक जो है ऐसा कौन सा ITI है जहां पर ड्रोन टेक्नीशियन प्रोग्राम जो है शुरू नहीं किया गया है? तो 2022 तक की बात की गई थी, तो 14 का बी करेक्ट रहेगा, हमीरपुर में जो है 2022 तक ड्रोन टेक्नीशियन प्रोग्राम जो है शुरू नहीं किया गया था। 15th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये हिमाचल JK का, इस पेपर का, ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट पर्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश विच इज हु इज रेकमेंडेड फॉर अर्जुना अवार्ड 2023। तो इनका नाम तो बहुत फेमस है, रितु नेगी इनका नाम है, 15 का ऑप्शन नंबर सी, रितु नेगी जो है एशियन गेम्स अभी इस बार की हुई थी वहां पर इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, ये भारत की कबड्डी टीम की कैप्टन थी और ये एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेके आए थे, तो इसीलिए रितु नेगी को जो है अर्जुन पुरस्कार अर्जुन अवार्ड से जो है
सम्मानित किया गया। तो ये 2023 के अर्जुन अवार्ड थे, 2024 में ये मिले हैं। राइट, 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इंडिया इज नॉट मैच्ड करेक्टली विद इट स्टेट। तो भारत में कौन सा निम्नलिखित अपने राज्य के साथ सही सुमेलित नहीं है? लिंगराज टेम्पल ओडिशा, कन्हेरी ग्रेव्स महाराष्ट्र, उदयगिरी और कांढागिरी केव्स मध्य प्रदेश और मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं है, उदयगिरी और कांढागिरी केव्स मध्य प्रदेश में नहीं है। 17th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विच हैड द हाइएस्ट रेवेन्यू डेफिसिट, है ना, राजस्व केंद्र शासित सर्वाधिक राजस्व कमी वाले राज्य की पहचान कीजिए। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर वॉज कोटेड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह व्हाइल प्रेजेंटिंग द हिस्टोरिक बजट ऑफ इंडिया इन 1991। तो जब वर्ष 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह थे फाइनेंशियल मिनिस्टर, और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो पीएम थे नरसिम्हा राव जी, जिन्हें इस बार भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त थे फाइनेंशियल मिनिस्टर, और उन्होंने प्रेजेंट किया था भारत का बजट 1991 का। तो उन्होंने कौन से राइटर को कोट किया था अपने बजट के भाषण में, ये पूछा गया है। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, विक्टर हुगो को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग हुज नॉमिनेशन इज इन द्रोणाचार्य लाइफ टाइम कैटेगरी अवार्ड 2023 इन गोल्फ एज कोच। तो कोचेस को मिलते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड, और द्रोणाचार्य अवार्ड में लाइफ टाइम कैटेगरी का अवार्ड जो है गोल्फ के कोच को मिला है। कौन है वो, तो 19 का बी, कोच जसकीरत सिंह गरेवाल इनका नाम है। इन्हें द्रोणाचार्य लाइफ टाइम कैटेगरी अवार्ड गोल्फ के क्षेत्र में एज अ कोच मिला है। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द फॉलोइंग परसेंट ऑफ द वोट्स विद विच द बीजेपी गॉट्स इन 2023। तो 2023 के चुनावों में जो है जिन भी राज्यों में हुए हैं वहां पर 2023 ही है ये, है ना, उनमें जो है बीजेपी को कितने प्रतिशत वोट मिले थे। 20 का ए, 42%। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यहाँ पे दो चीजें क्लियर हो रही हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो है 8th शेड्यूल जोड़ा गया था जिसमें जोड़ी गई थी भाषाएं, और भाषाओं में बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली 22 भाषाएं हैं, ठीक है, 8वें शेड्यूल में। तो 22 भाषाओं में से ये जो बोडो, संथाली और डोगरी और मैथिली है, इन्हें कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन से संविधान संशोधन के तहत 8वें शेड्यूल में जोड़ा गया था, ये पूछा गया है। तो 21 का रहेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, 92nd अमेंडमेंट। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट मैच्ड करेक्टली विद इट्स ऑथर। तो नील दर्पण दीन बंधु जी, ये तो सही है। राइट, क्वेश्चन नंबर 22 का बी, रेबल्स अगेंस्ट द राज, ये प्रीति सिंह की किताब, ये जो है गलत मैच की गई है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। Which of the following is correct about the state of Haryana? हरियाणा की जो है चार statements दी गई हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी statements जो है correct है। तो ये मेरे को लगता है question number 23 का A correct है, its geographical area is 1.4% of the geographical area of India, ये सही है। हम देखेंगे ये करेक्ट है ये नॉट करेक्ट है, अगर नॉट करेक्ट होगा तो मैं आपको पिन करके बता दूंगी। राइट, नॉट करेक्ट नहीं, करेक्ट ही है, सूरजकुंड मेला ये फरवरी में होता है। ये करेक्ट वाली स्टेटमेंट 23 की ए ही है, है ना, 23 की ए ही है ना, 1.4% जो है ज्योग्राफिकल एरिया है भारत के क्षेत्र का फल का, 1.4% हरियाणा है। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा हिमाचल प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है।
राइट. क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक वेयर द रोज रेवोल्यूशन वॉज ऑर्गेनाइज फॉर अ चेंज ऑफ पावर फ्रॉम द फॉलोइंग. निम्नलिखित में से उस अतीत काल के सोवियत गणराज्य की पहचान कीजिए जहां पर सत्ता बदलने के लिए रोज रेवोल्यूशन का आयोजन किया गया था. तो 24 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जॉर्जिया. ओके, क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग विच मेटल इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट. पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक धातु की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए. 25 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, एल्यूमिनियम. 26, विच स्टेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएसए इन 2023 हैज मेड डोनाल्ड ट्रंप एक्स प्रेसिडेंट इनएलिजिबल फॉर सीकिंग इलेक्शन. तो 2023 में डोनाल्ड ट्रंप को जो है इनएलिजिबल कर दिया गया था, अयोग्य कर दिया था चुनाव लड़ने के लिए. तो वो जो है किस स्टेट के सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था, ये पूछा गया है. 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कोलोराडो. क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई द विनर कंट्री जापान ओपन मेन सिंगल बैडमिंटन 2022. तो जापान ओपन मेन सिंगल बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? 27 का बी करेक्ट रहेगा, जापान ने खुद ही जीता है. 28 का जो है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. ये भी सितंबर का ही मंथ का है, राइट. ओके, एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, 25 नवंबर. क्वेश्चन नंबर 29, वेयर आर लोकेटेड द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम, है ना. यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, ये पूछा गया है. तो यूएनईपी का मुख्यालय पेरिस में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. आइडेंटिफाई फ्रॉम Among the following, the correct rank of USA bank Lehman Brothers, which collapsed in August 2008 for shortage of capital. तो capital यानी पूंजी की shortage की वजह से एक Lehman Brothers करके bank था, वो collapse हो गया था, ठीक है. कब हुआ था ये? अगस्त 2008 में. तो इनमें से कौन सा जो है, कितनेवे नंबर का ये बैंक था, ये पूछा गया है. तो 30 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये चौथा बड़ा बैंक था. ओके, 31 देखते हैं. 31, अनार मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो अनार जो है फारसी का शब्द है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. कौन सा शब्द अज शब्द का अर्थ नहीं है? तो यहां मैं इनमें से अज शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है, 32 का डी, अजवाइन जो है अज का अर्थ नहीं है. ब्रह्मा भी होता है, शिव भी होता है, बकरा भी होता है, बट अजवाइन अज शब्द का अर्थ नहीं होता, राइट. फिर दिया है एक जो है अलंकार पूछा गया है. परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई. इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, राइट. तो ये है जी 33 का बी, उपमा अलंकार, राइट. ओके, 34, हर तरफ गंदगी फैली हुई है, रेखांकित पद संज्ञा का कौन सा भेद है? तो 34 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, भाववाचक, राइट. निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो उपसर्ग की भिन्नता के कारण अन्य सभी विकल्पों से भिन्न है. तो उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं जो स्वा जो है उपसर्ग लगा है यहाँ पे. तो यहाँ पे स्वयंवर, स्वयंचालित, स्वावलंबन और स्वयंसेवक, यहाँ पे स्व उपसर्ग लगा है, बट मीनिंग के आधार पर जो है भिन्न है. तो 35 का ऑप्शन नंबर सी गलत है, है ना, स्वावलंबन, ठीक. फिर उसके बाद देखते हैं, फलदार वृक्ष ही झुकते हैं, रेखांकित शब्द का में विशेषण का भेद कौन सा है? तो 36 का ऑप्शन नंबर बी जो है गुणवाचक गुण जो है बताया गया है वृक्ष का, है ना. फिर आते हैं 37 की तरफ, मैं उस वंशीधर का भक्त हूँ, रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास का भेद है. वंशीधर, वंशी को धारण करने वाला.
37 का ए करेक्ट है बहुब्रीही, राइट। बहुब्री बंसी को धारण करने वाले कौन? हमारे कृष्ण जी, राइट। तो तीसरा पद प्रधान है तो बहुब्रीही समास, ठीक। फिर आ गया 38, सफलता होना, सफल होना है तो कुछ काम करो, यो कागजी ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे के साथ कीजिए। तो कागज की नाव ना बनाओ, 38 का ऑप्शन नंबर, ओके 38 का ऑप्शन नंबर डी सी है, घोड़े ना दौड़ाओ, यो कागजी घोड़े ना दौड़ाओ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर 39, यह शीला सा वृक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, काव्य पंक्ति में उपमेय है, तो उपमेय होता है जिसकी प्रशंसा की जा रही हो, किसकी प्रशंसा की जा रही है? वृक्ष की, कि ये जो वृक्ष है वो शीला के यानी चट्टान के समान है, राइट। तो वृक्ष जो है यहाँ पे उपमेय है, वृक्ष को जो है प्रशंसा में कहा जा रहा है कि ये वृक्ष शीला के समान है, 39 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इस महानगर के लोग बड़े गतिशील हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त के परसर्ग कारक की किस भेद के अंतर्गत आता है? महानगर के लोग 40 संबंध का के की है ना, संबंध का के की, इस महानगर के लोग, तो 40 का सी करेक्ट रहेगा, संबंध, राइट। फिर आते हैं 41 पर, चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक ब्लैंक, दे फाउंड सम रेस्पाइट टू वॉच अ मूवी। 41 का बी करेक्ट रहेगा, हैविंग कंप्लीटेड द डेज वर्क दे फाउंड सम रेस्पाइट टू वॉच अ मूवी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा 41 का। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इन चारों सेंटेंस में से सबसे करेक्ट वाला सेंटेंस कौन सा है? दे हैव बीन ऑनर्ड फॉर हेल्पिंग एन एडरली कपल, राइट। ये कौन से उसमें है? दे हैव बीन ऑनर्ड फॉर हेल्पिंग एन एडरली कपल, यहाँ पे ये जो एल्डरली है इसके बारे में पूछा गया है, यहां से एक एरर नहीं है, एल्डरली यहां से एरर है, यहाँ पे एल्डरली है, बट दे आर बीन ऑनरिंग, यहाँ पे दो चीजें करेक्ट करनी है हमें, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ गया और साथ में जो एडजेक्टिव लगा है वो भी एल्डरली राइट एग्जेक्टिव होता है, साथ में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस बनाना है, तो एल्डर कपल, यहाँ पे दो सेम सेंटेंस थे बट एल्डर नहीं होता, जब भी एडजेक्टिव के बारे में बात की जाए तो एल्डरली, ठीक है। 42 का ए करेक्ट रहेगा। 43, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इनडायरेक्ट यानी नरेशन, चेंज द नरेशन। मोइन सेड टू हिज सिस्टर, कुड यू एक्सप्लेन द मैटर टू मी लेटर, ओके कुड यू एक्सप्लेन द मैटर टू मी लेटर। 43 का मतलब एक तरह से मोइन सेड टू चेंज होता है टोल्ड में, मोइन टोल्ड हिज सिस्टर दैट टू एक्सप्लेन द मैटर टू हिम लेटर, है ना, ओके। और 43 का डी करेक्ट रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना है 43 का डी। फिर उसके बाद 44, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, द ट्रेजर इज सेंडिंग अस द प्रीवियस रिपोर्ट, इज आईएनजी चेंज होता है बीइंग में, तो यहां से सिर्फ और सिर्फ बीइंग जो है एक ही में है, 44 का बी करेक्ट रहेगा, बस इसी तरह से जल्दी जल्दी पहचानने होते हैं हमने, सिंपल सी बात, हमें जो है एलिमिनेशन करना आना चाहिए एग्जाम में, जब भी हम बैठे हैं तो जल्दी जल्दी एलिमिनेट हो जाए सेंटेंस, वो हमें देखना है, राइट। यहाँ पे बीइंग एक और में भी है बट ध्यान रखना है कि कौन सा जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, कौन सा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज करना है। 44 का बी करेक्ट रहेगा। 45, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है और 45 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, द रेन ऑफ द सेकेंड मोनार्क वॉज द बेस्ट पीरियड, राइट।
फिर है 46, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट. ये पूछा है, ये जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. द अनवेल्ड पर्सन इज हु, अनवेल्ड पर्सन कौन सा होता है. तो यहां से 46 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, डज नॉट वरी अबाउट एनी एम्बेरेसमेंट, राइट. फिर है 47, 47 का हैविंग मेड सेवरल अनसक्सेसफुल एफर्ट्स टू फिक्स द इशू वी डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे. तो यहां पे बोला है कि जो टू कॉल इट अ डे है, अंडरलाइन सेगमेंट है, इसको जो है रिप्लेस करना है, बट रिप्लेस करने के बाद मीनिंग जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए. तो 47 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, टू स्टॉप दैट वर्क फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. टू कॉल इट अ डे यानी काम को उस दिन के लिए खत्म कर देना, ये जो है इसका करेक्ट रहेगा 47 का डी. अरेंज द गिवन पार्ट टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस. तो 48 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, आर पी एस क्यू टी. ध्रुव एम्बार्क्ड ऑन एन एक्सप्लोरेशन ट्रिप टू कानपुर वेयर ही एनकाउंटर्ड अ डिफरेंट साइड ऑफ द सिटी विच ऑफर्ड हिम अ यूनिक एक्सपीरियंस. तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा. 49, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. Shudha is brilliant in physics. If she work hard, she will get through entrance exam. Option number A correct rahega, 49 ka. 50, choose the option which indicate the antonym of the underlined word sentence. To yahan pe lazy ka pucha tha, na lazy underline kiya tha, lazy ka antonym yani opposite word. तो 50 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एवो मिनिट. तो यहाँ पे हम कवर कर चुके हैं 50 क्वेश्चन मॉक टेस्ट नंबर 11 के. आई होप आपको ये वीडियो सीरीज जो है हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो इन वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. आशा करती हूँ ये वीडियोज आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत फ्रूटफुल, हेल्पफुल हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.